हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं आपका फिटनेस एक्सपर्ट नितिन छुड़ेरा। जिस तरह से आपको पता है गाइस कि लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर पे हैं और कोई एक्सरसाइज और कोई वर्कआउट नहीं कर पा रहे घर पे अपने, तो जो आज की जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, ये खाली जिम जो लोग जिम करते हैं उनके लिए नहीं है। जो अपने को फिट रखने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये कोई भी ऐसा स्पोर्ट खेलते हैं अपने को फिट रखने के लिए, तो वो लॉकडाउन की वजह से, सोशल डिस्टेंस की वजह से वो घर से नहीं बाहर जा पा रहे, अपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको इस वीडियो में जो आपको वर्कआउट बताने जा रहा हूँ वो सबके लिए है, चाहे वो जिम वाला हो या कोई भी स्पोर्ट कोई एक्टिविटी करता हो उसके लिए। उससे आपको मेरे वीडियो का टाइटल देख के पता लग चुका होगा कि मैं आपको आज फुल बॉडी क्रॉसफिट बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। गाइज, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो जिस तरह से आपको पता है कि लॉकडाउन कैसे एक्सटेंड होता जा रहा है, तो मेरी यही कोशिश रही है कि जब तक लॉकडाउन रहता है मैं आपको घर पे ही ऐसे ट्रेन करता रहूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको सिंपल बताऊँ और काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्टिव एक्सरसाइज है वही बताऊँगा मैं आपको। गाइस, पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ पहले आ चुकी है, लेकिन आपको आज जो मैं एक्सरसाइज बताऊँगा ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, ये कोई भी कर सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आज है हमारे साथ विशाल नंद, जो कि हमें वीडियो में सपोर्ट करेंगे, बताएंगे किस तरह से वो घर पे खुद को ट्रेन करना है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको जाके सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले करें इसको प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने फिटनेस रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते देखते हैं आज का वर्कआउट। हमारे साथ विशाल हैं, जो ये बताएंगे किस तरह से आज हमें एक्सरसाइज घर पे ही करनी क्रॉसफिट। तो गाइज, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है इसके तीन सर्किट है, उस तीन सर्किट के तीन राउंड है, उसमें तीन एक्सरसाइजेज हैं, तीन एक्सरसाइजेज, तीन राउंड और तीन सर्किट। तो जो हमारी फर्स्ट सर्किट का जो फर्स्ट राउंड की जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज वो बताएंगे हमें विशाल हैं, जो कि हमारा स्क्वाट जंप। हमें इसके 10 स्टेप करने हैं स्क्वाट जंप के। तो गाइज, जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी स्क्वाट जंप कर रहे हैं, इसके 10 स्टेप करने हैं। मेरी पूरी ध्यान से देखिए किस तरह से स्क्वाट जंप कर रहे हैं, हमें इसके 10 स्टेप करने हैं। साथ में अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी बर्पीज, बर्पीज के भी हमें 10 स्टेप करने हैं इसके विदाउट ब्रेक।
गाइस आपने काफी ज्यादा एक्सरसाइज देखी होंगी यूट्यूब पे कि आप इस तरह से अपना खुद को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो पता लगेगा कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है आपको बॉडी को, कितना ज़्यादा आपको बॉडी का वेट लॉस करेगा, आपको खुद की बॉडी को ट्रेन करेगा, कैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट राउंड सेकेंड सर्किट का, आपको इसके 3 राउंड करने हैं। तो चलते हैं हमारा जो थर्ड जो सर्किट है वो कौन सा, वो देखते हैं। गाइस अब जो हमारा लास्ट सर्किट है जो उसका जो फर्स्ट राउंड की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी स्टेप अप, हमें इसको 20 सेकेंड तक करना है, इसको इस तरीके से जितना तेज स्पीड में कर सकते हो उतना स्पीड में करोगे। जैसे हमने अभी स्टेप अप के 20 सेकंड हमने वो किया, तो अब इसके अब हम आपको करने हैं स्टैंडिंग स्पिंट, ये 20 सेकंड तक करने हैं। जितना स्पीड पे आप कर सकते हैं स्पिन में करोगे, जितना फास्ट हो सकता है, इसको 20 सेकंड तक करना है हमें। वेरी गुड। तो जैसे ये अभी हमारे 20 सेकंड पूरे होंगे, साफ में लगाने 15 रैप्स लगाने में पुशअप्स के बिना ब्रेक के, बिल्कुल इस तरह पुशअप हो गया, रैप्स आपके 15 है। ये था हमारा लास्ट सर्किट, इसमें मैंने क्या किया, 20 सेकंड हमने किया स्टेप अप, 20 सेकंड किया हमने स्टैंडिंग स्पिन, लास्ट में हमने किया 15 रैप्स पुशअप्स के। तो गाइस इसके भी आपको 3 राउंड कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट सर्किट था। याद रखिए कि आपको 10 सेकंड तक आपको बीच में आपको रेस्ट लेना, हर एक राउंड में सर्किट में आपको रेस्ट लेनी है सिर्फ 30 सेकंड। तो गाइस आज का जो हमारा वर्कआउट था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। गाइस आज हमने इसके 3 सर्किट किए हैं, उस 3 सर्किट के हमने इसके 9 राउंड किए हैं। वाइज आप मेरी बात यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ 3 सेकंड पूरे कंप्लीट करेंगे आपको पता लगेगा कि एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए। तो आप मुझे नीचे एक कमेंट बॉक्स बता सकते हैं आपको मेरी एक्सरसाइज कैसे लगी, कितना इफेक्टिव लगा आपके लिए, कितना आपको मजा आएगी एक्सरसाइज करने के बाद। तो वाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वो मेरी नई